हाल ही में दोस्तों इंडियन रेलवे से जुड़ी काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि दोस्तों काफी दिनों से हमें यह देखने को मिला है कि ट्रेनों में चेकिंग टीम के द्वारा बिना टिकट और अनऑथराइज्ड तरीके से ट्रेन में ट्रेवल करने वाले यात्रियों से जुर्माना वसूला जा रहा है। लेकिन दोस्तों हाल ही में एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर ट्रेन के एक रिजर्वेशन वाले कोच में एक टीटी को रंगे हाथों पैसे लेते हुए पकड़ा गया। तो दोस्तों एक तरफ इंडियन रेलवे की जो टीम है वो काफी ज्यादा मेहनत कर रही है ट्रेन में बिना टिकट वाले लोगों को यात्रा करने से रोकने के लिए, वहीं पर दोस्तों कुछ गिने चुने लोगों के कारण रेलवे की मेहनत पर पानी फिर जाता है। लेकिन दोस्तों अब इंडियन रेलवे के द्वारा एक ऐसा नया सिस्टम बनाया गया है जिसका इस्तेमाल अब सभी टीटी के द्वारा किया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इस घटना के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे उस नए सिस्टम के बारे में जो कि अब सभी टीटी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कई बार कुछ लोग जनरल डब्बे का टिकट खरीद लेते हैं लेकिन बाद में ये लोग ट्रेन के स्लीपर कोच में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों इन लोगों को एक डर जरूर सताता है कि कहीं टीटी ना आ जाए, क्योंकि फिर इनको जुर्माना देना पड़ सकता है। और कुछ ऐसे ही घटना हमें जबलपुर के रेलवे डिवीजन में देखने को मिली है। बेसिकली ऐसा बताया जा रहा है कि एक यात्री प्रयागराज से मुंबई की ओर जा रहा था, लेकिन इतने में ही कटनी रेलवे स्टेशन पर टीटी आ गया और ये जो यात्री था वो जनरल डब्बे की टिकट लेकर स्लीपर कोच में ट्रेवल कर रहा था। इसी कारण जब इस व्यक्ति ने टीटी को देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान रह गया। लेकिन जब टीटी ने उस यात्री से टिकट के बारे में पूछा तो उस यात्री ने बताया कि उसके पास जनरल डब्बे का टिकट है। उसके बाद टीटी के द्वारा उस यात्री से 500 रुपए जुर्माना मांगा गया, लेकिन उस यात्री ने बोला कि उसको अगले स्टेशन सतना पर उतरना है। उसके बाद टीटी ने उस यात्री से 200 रुपए मांगे और बोला कि अगर तुम अगले स्टेशन सतना पर नहीं उतरोगे तो फिर तुम्हारी टिकट बना दी जाएगी। और उसके बाद यात्री ने 200 रुपए टीटी को दे दिए। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो हुआ उसको जानने के बाद आप भी हैरान रह जाओगे, क्योंकि यात्री और टीटी के बीच में जो भी ये सब बातें हो रही थी उन सभी बातों को पास में बैठे एक यात्री के द्वारा वीडियो रिकॉर्ड कर ली गई और उसके बाद उस यात्री के द्वारा रेल ऐप के माध्यम से कंप्लेंट की गई। और उसके बाद काफी जल्दी जबलपुर डिवीजन के जो सीनियर डीसीएम थे उन्होंने उस टीटी को सस्पेंड कर दिया। डीसीएम मधुर कुमार वर्मा के द्वारा बताया गया कि रेल मदद ऐप पर यात्री ने वीडियो बनाकर अपलोड किया था और उसके बाद वीडियो की भी जांच की गई थी और अल्टीमेटली वीडियो में यह पाया गया कि टीटी के द्वारा यात्री से 200 रुपए मांगे जा रहे हैं और उसके बाद उस टीटी को सस्पेंड कर दिया गया। और इंडियन रेलवे के द्वारा यह बोला गया कि अगर इसी प्रकार की कंप्लेंट दोबारा से देखने को मिलती है तो उसको लेकर ठोस कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दोस्तों हम यहां पर पूरी तरह से टीटी की गलती भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो लोग ट्रेन में बिना टिकट के या अनऑथराइज्ड तरीके से ट्रेवल करते हैं उन्हीं लोगों के कारण इस प्रकार की घटनाएं हमें ट्रेन के अंदर देखने को मिलती है। इसी कारण इंडियन रेलवे के द्वारा लोगों से यह अपील की गई है कि यात्री ट्रेन के जिस कोच के लिए टिकट खरीदते हैं कृपया उसी कोच में सफर करें, और अगर उनसे किसी भी प्रकार की रिश्वत मांगी जाती है तो उस केस में यात्रियों के द्वारा रेल मदद ऐप पर कंप्लेंट भी की जा सकती है, क्योंकि यात्रियों की सुविधाओं के लिए ही रेल मदद ऐप को बनाया गया है। ऐसे में ट्रेन में सफर करने वाले हर एक व्यक्ति को रेल मदद ऐप को यूज करना भी आना चाहिए, क्योंकि रेल मदद ऐप के जरिए ट्रेन के यात्री कंप्लेंट कर सकते हैं और उस कंप्लेंट की जो कार्रवाई होती है वो भी काफी तेजी से की जाती है। और इसके अलावा दोस्तों हाल ही में इंडियन रेलवे के द्वारा टीटी के लिए एक नया सिस्टम लाया गया है। बेसिकली ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन रेलवे के द्वारा ऑपरेशन ब्लैक बॉक्स की शुरुआत की है। बेसिकली ऐसा बताया जा रहा है कि अगर कोई भी टीटी किसी भी ट्रेन के यात्री को किसी भी कारण से परेशान करता है तो यहाँ पर ये ऑपरेशन ब्लैक बॉक्स ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्रियों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो ऑपरेशन ब्लैक बॉक्स से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी आपके पास जरूर होनी चाहिए। अब अगर बात करें कि ये ऑपरेशन ब्लैक बॉक्स आखिर काम कैसे करता है, तो फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि सोनपुर रेल डिवीजन की तरफ से शनिवार को मुजफ्फरपुर जंक्शन पर ऑपरेशन ब्लैक बॉक्स से संबंधित एक QR कोड को सभी जगह पर लगाया गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको एक QR कोड देखने को मिलने वाला है। जिस प्रकार से आप कोई ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए QR कोड को स्कैन करते हो, उसी प्रकार से अब आपको रेलवे स्टेशन पर एक QR कोड देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ट्रेनों में जितने भी आपको टीटी देखने को मिलते हैं डेली किए गए सभी प्रकार के कामों की डिटेल को पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा और उसी के साथ अपनी फोटो भी पोस्ट करनी पड़ेगी। यानी कि दोस्तों सिंपली टीटी को इस QR कोड को स्कैन करने के बाद अपने द्वारा किए गए सभी प्रकार के कामों की जो डिटेल्स है उनको अपलोड करना पड़ेगा। यानी कि टीटी के द्वारा अपनी ड्यूटी
टिकट की जांच और ट्रेन में यात्रियों से जुर्माना वसूलने की जो जानकारी है वो अब इस QR कोड पर स्कैन करके पोर्टल पर अपनी जानकारी को अपलोड करना पड़ेगा। यानी कि अब इस QR कोड की मदद से TT से जुड़ी सभी प्रकार की जो जानकारी होगी वो डायरेक्टली इंडियन रेलवे के पास चली जाएगी। और ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर TT को कम से कम 2 दिन का जो ब्यौरा है उसको पोर्टल पर अपलोड करना ही पड़ेगा। सोनपुर रेल डिवीजन के सीनियर DCM रोशन कुमार ने बताया कि ऑपरेशन ब्लैक बॉक्स के अंडर एक स्पेशल QR कोड को तैयार किया गया है जिसे मुजफ्फरपुर समेत सोनपुर रेल डिवीजन के अंडर आने वाले छोटे बड़े सभी रेलवे स्टेशन पर लगाया गया है और जहां पर इस QR कोड को लगाना बाकी है वहां पर भी इस QR कोड को काफी जल्दी लगा दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस QR कोड का इस्तेमाल केवल TT के द्वारा नहीं किया जाएगा बल्कि रेलवे के अधिकारियों के साथ साथ जो ट्रेन में सफर करने वाले आम यात्री होते हैं वो भी इस QR कोड का इस्तेमाल कर पाओगे। तो आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि ट्रेन में सफर करने वाले आम यात्री आखिर इस QR कोड का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेन में सफर करने वाले आम यात्रियों के द्वारा इस QR कोड को स्कैन करके टिकट चेकिंग से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां ले सकते हैं क्योंकि इस QR कोड को स्कैन करने पर आपको पता चलेगा कि कौन TT कहां पर है और किस रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग के अभियान को चलाया जा रहा है उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन होते हैं वहां पर TT के द्वारा तो चेकिंग की जाती है लेकिन जो छोटे छोटे रेलवे स्टेशन होते हैं वहां पर टिकट चेकिंग नहीं हो पाती है जिसका फायदा ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वाले लोग उठा लेते हैं और इससे इंडियन रेलवे के रेवेन्यू को भी काफी ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन अब इस ऑपरेशन ब्लैक बॉक्स के अकॉर्डिंग अब सभी TT को अपनी लोकेशन की जो जानकारी है उसको भी अपलोड करना पड़ेगा जिसके कारण अब छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पर भी टिकट चेकिंग काफी तेजी से की जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया का 4th सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क माना जाता है और इसी कारण भारतीय रेलवे के द्वारा लाखों लोगों को रोजगार भी दिया जाता है। लेकिन दोस्तों कई बार ट्रेनों में इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है खास तौर से फेस्टिवल सीजन में कि उस भीड़ को हैंडल कर पाना कई बार TT के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी कारण दोस्तों ट्रेन में सफर करने वाले हर एक यात्री को ट्रेन का टिकट जरूर लेना चाहिए और जिस कोच का टिकट लिया है केवल उसी कोच में सफर करना चाहिए। इसके अलावा अगर TT के द्वारा ट्रेन में ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है जो कि ट्रेन में अनऑथराइज्ड तरीके से ट्रैवल करते हैं तो उनसे पैसे लेने के बजाय उनसे जुर्माना वसूलना चाहिए ताकि ट्रेनों में इस प्रकार की घटनाओं को कम किया जा सके। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए।